हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हो आप लोग बहुत अच्छा है। दोस्तों, न्यूज़ 18 का अनुसार आज एक बड़ी अपडेट खुलासा हुआ है दोस्तों, SSC GD कांस्टेबल 2021 का। दोस्तों अभी आज ही मिला है न्यूज़ 18 में। दोस्तों SSC GD कांस्टेबल 2021 SSC GD कांस्टेबल भर्ती आवेदन से पहले जान लीजिए बड़ा जरूरी बात। दोस्तों अनुसूचित जाति होने के बाद इच्छुक होने के उम्मीदवार भर्ती परीक्षा के लिए SSC का बड़ी खुलासा। दोस्तों SSC GD कांस्टेबल 2021 SSC GD कांस्टेबल भर्ती आवेदन से पहले जान ले बारे जरूर बात। दोस्तों अनुसूचित जाति होने से बाद इच्छुक हो उम्मीदवार भर्ती परीक्षा के लिए SSC की जारी किया है नोटिस। दोस्तों नया दिल्ली से अपडेट खुलासा हुआ है, SSC GD कांस्टेबल 2021 कर्मचारी चयन आयोग SSC द्वारा GD कांस्टेबल भर्ती के लिए 25 मार्च 2021 की अधिसूचना जारी की जाएंगे। उसके बाद इच्छुक व उम्मीदवार SSC का ऑफिशियल साइट में दे दिया जाएगा। दोस्तों ऑफिशियल वेबसाइट क्या है? SSC.NIS.IN। दोस्तों उम्मीदवार का चयन कर्मज्ञ अधिरित परीक्षा CBE शारीरिक परीक्षा CBT एग्जाम होगा। दोस्तों आप लोगों का परीक्षा का PAT PST होगा, शारीरिक मापजोक डिटेल्स मेडिकल फिट DME RME दोस्तों ऐसा कुछ होगा। दोस्तों दोस्तों RME माध्यम से किया जाएगा, चयन किया जाएगा। दोस्तों दोस्तों चैनल को ज्यादा से ज्यादा शेयर करो, लाइक लाइक करो, जो इच्छा तो वही करो दोस्तों, वो आपका ऊपर जो मन लगे, आपका जो मन लगे वो करते रहो दोस्तों, कोई बात नहीं है। दोस्तों 25 तारीख से मार्च का 25 तारीख से दोस्तों फॉर्म फिलअप स्टार्ट होगा दोस्तों, और मई का 10 तारीख क्लोज हो जाएगा दोस्तों फॉर्म फिलअप का। दोस्तों चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, लाइक करो और सब्सक्राइब करो, ठीक है दोस्तों। दोस्तों इसका फिजिकल एग्जाम ठीक है, सिलेबस के बाद सिलेबस का संपर्क में एक जरूरी वीडियो बनाऊंगा दोस्तों। दोस्तों आवेदन करने वाला उम्मीदवार का आयु 18 से 23 वर्षों होना चाहिए दोस्तों, जरूर होना चाहिए, और वर्षों के बीच निर्धारित का वो गई है। OBC का 3 बछर छूट दिया गया है, SC ST का 5 बछर छूट दिया गया है दोस्तों, जनरल का कोई छूट नहीं है दोस्तों। आरक्षित वर्ग और उम्मीदवार के अधिकतम आयु सीमा में छूट दी जाएगा दोस्तों। दोस्तों जैसे है ओबीसी है, ओबीसी का छूट दिया जाएगा 3 वर्षों का, और SC ST का 5 वर्षों का छूट दिया जाएगा दोस्तों, लेकिन जनरल का तो कोई छूट नहीं मिलता दोस्तों, ठीक है। और दोस्तों इसका जो फिजिकल होता है वो 24 मिनट में 5 किलोमीटर रनिंग करना पड़ता है दोस्तों, और लेडीज लोगों का 1600 मीटर 8 मिनट, लगभग 8 मिनट ही देता है दोस्तों। आप लोग देख लीजिए दोस्तों, चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, लाइक करो, और क्या बोलूँ तुम लोगों का, इस साल के लिए डिटेल नोटिफिकेशन दोस्तों, इस साल के लिए डिटेल नोटिफिकेशन जारी होने के बाद उम्मीदवार एजुकेशनल क्वालिफिकेशन एज लिमिट आयु सीमा संवर्धित अन्य पात्रता मानदंड सहित सिलेक्शन प्रक्रिया का पूरा जानकारी प्राप्त कर सकता है। दोस्तों ये सुन लीजिए दोस्तों, जरूरी घोषणा है, उम्मीदवार का सिलेक्शन क्वालिफिकेशन और एज लिमिट आयु सीमा संबंधित अन्य अन्य तथ्य दोस्तों मानदंड सहित सिलेक्शन प्रक्रिया पूरा जानकारी SSC में जारी कर सकता है। दोस्तों पद के लिए 2018 में पद के लिए बिल्कुल कुल कितना फॉर्म फिलअप हुआ है दोस्तों, 52,20,335 उम्मीदवार ने रजिस्ट्रेशन करवाया था दोस्तों दूसरी बार 2018 साल में। दोस्तों इस साल के लिए डिटेल नोटिफिकेशन जारी होने के बाद उम्मीदवार इंजेक्शनल क्वालिफिकेशन एज लिमिट आयु सीमा संबंधित अन्य
पत्रों तथा मानदंड सहित सिलेक्शन प्रक्रिया का पूरा जानकारी प्राप्त कर सकता है दोस्तों। ओके दोस्तों, चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, लाइक करो और क्या बोलो दोस्तों, सब्सक्राइब करो दोस्तों। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय। ओके दोस्तों, थैंक यू।